एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, यूपी में पहले हर रोज दंगे होते थे, यूपी में अब कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है, यूपी में अब दंगे नहीं होते, अब कोई माफिया किसी कारोबारी को धमका नहीं सकता। अतीक अहमद की मौत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री का दावा कि यूपी में पहले से बेहतर है, अब कानून व्यवस्था पहले यूपी में हर रोज दंगे होते थे, अब यूपी में दंगा नहीं होता, अब यूपी में कोई माफिया किसी कारोबारी को धमका नहीं सकता। दो बातों के लिए यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है, और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे, 2007 से 2012 के बीच में 264 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। आप कहीं से भी आएंगे, नेपाल से आएंगे तब भी, बिहार से आएंगे तब भी, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, ये सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं।